हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं उठ गई हूँ और मैं कर रही हूँ सैंडविच की तैयारी, क्योंकि अभियुक्त का भी टीचर डे है, सेलिब्रेशन है, और मेरा भी है। मेरा टीचर डे तो है ही है, बट मैंने अभी थोड़ा लाइट खाना है क्योंकि फिर मेरे टेस्ट होने होते हैं, तो अभी मैं थोड़ा फ्रेज में चलती हूँ। तो इसलिए अभी हम कर रहे हैं सैंडविच की तैयारी। तो मैं पतला सा बारीक, तो मैं अनियन को चॉप करके रखूंगी। तो मैं प्याज बड़े करनी है, निक्के पीस करने होते, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं करने, क्योंकि इससे पनीर वाला सैंडविच बनाना वो हेल्दी भी होता और प्रोटीन भी थोड़ा, सारा कुछ तो यार ना तुसी होता, ठीक है। तो तुसे प्याज पाना, उसे थोड़ा जिहा प्याज पाना, ज़्यादा प्याज नहीं करना। कोई भी चीज़ लैनी हो ज़्यादा नहीं करना उसी। और उसके बाद फिर ओदा स्पेशल बोला, वो मैं आखा मैगी बनाई दे। पिछली बार मैं उसे नूडल बनाई देते, आखा नूडल नहीं खाऊंगा मैं। अब बने बड़े टेस्टी थे, सच्ची बहुत टेस्टी बने थे। मैंने इतनी जल्दी बनाए थे ना उस दिन भी, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट में पता चला कि उसको लेके जाना, तो मैंने कहा नूडल पड़े तो नूडल बना देते हैं हम। तो उसके लिए प्रीति बोलते नहीं हो पाएगा, मैंने कहा क्यों नहीं होगा भाई, हो जाएगा, क्योंकि वो उसके एक बच्चे के लिए बनाने थे, तो वो हो जा रहा था, जल्दी गल जाने थे, कितने बनाने थे उसके लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ, क्योंकि सैंडविच मुझे भी खाना है अपने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अभी मैंने दवाइयाँ शुरू करनी है खाना, वो तो खा लिया मैंने। मैंने इतना बारीक काटना है, ये देखो दिख रहा है आपको, इतना प्यार करती है ना सासू, मैं बोलती हूँ कम प्यार किया करो। फिर लगता है मुझे प्याज, फिर काटेंगे हम थोड़ा सा टमाटर। पहले हम इसको ऐसे करेंगे, पार्टीशन बनाएंगे, फिर हम इसको चॉप करेंगे ऐसे। मेरा चॉपर भी है, वो पता नहीं मुझे रखा था, मैं नगरोटा में तो मैंने रखा था। तो थोड़ा सा प्याज डालेंगे, आलू लाई थी मेरे को सोच के, और शाम को हम डांस क्लास में भी मस्ती करेंगे आज बच्चों के साथ, ठीक है। रोज डांटना पढ़ाना, कभी कभी मारना उनको, ये सब तो होता ही है, तो क्यों ना। और आप लोगों को मेरी लुक में कुछ नया दिख रहा है, लग रहा है, तो बताना। अभी मैं सो के ही उठी, मूविंग तो है मैंने, तो ये है मेरी ग्लोइंग स्किन का नाम। मैं अभी बकवास मार रही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, फिर लेट अस कंटिन्यू आवर ब्लॉग। मैं के प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ, तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मेरे को किल लगाना है कहीं टॉवल लगाने के लिए, बट मैं डर रही हूँ कि क्या क्या मुझे डांटे ना, तो जब ये आएंगे तो इनसे पूछ के लगाऊंगी कि कहाँ लगाऊं किचन में, अदरवाइज मेरी ही खैर ना हो, फिर क्या बोल सकते हैं। तो मैं मसाला बना के रख दूंगी, अभी मैं जाऊंगी, पहले मैंने दवाई खानी एक दो, वो मतलब उन्होंने बोला थोड़ा लाइट सा खाना है पहले, फिर तो मैंने एप्पल ही खाती हूँ मैं, एक तो फ्रूट भी हो जाता है सुबह सुबह खाने के लिए, खाए भी जाते हैं, ऐसे तो मैं खाती हूँ, स्कूल तो मैं लेके ही जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर चलो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, और इसलिए बच्चों के लिए बना देती हूँ, गन्नू के लिए भी बनाना है, उसके लिए भी बना देती हूँ, और थोड़े थोड़े बनाती हूँ, पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं। बच्चे हमारे खाने में उनके खाने में डिफरेंस भी बहुत है ना, बच्चे पसंद कम करते हैं ऐसे लटर पटर चटर, मतलब ऐसे बेड टाइम दे दोगे वो पसंद करेंगे, बट ऐसे नहीं पसंद करेंगे यार। तो बट ये अच्छा होता है पनीर वाला, सच्ची में बहुत अच्छा होता है। तो जब मैं पिज्जे मंगवाते तो उनके मेरे पास ये पड़े थे ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह, तो चिली फ्लेक्स मैं एक ही डालूंगी और ऑरिगेनो में दो डालूंगी। तो ये मैंने बड़ी बार सोचा कि मैं घर में ये चीज़ें रखी दूँ, पर फिर मैं इसलिए नहीं लाती हूँ कि जब मैंने लाई तो फिर मैं इन्हीं के लिए हो जाऊंगी, फिर मैं यही खाती रहूंगी। और मैंने 4 मिनट की रिकॉर्डिंग कर ली, ऐसे ही बच्चों सारे बच्चे
और ये मुझसे ये होता है ना कि जब आपका, और जब मैंने पिछली बार बनाया था ना तो मेरे ट्यूशन में बच्चे आए थे जो मैंने जिनके एग्जाम थे, तो बच्चे नेशनल अकेडमी के, उनको बुलाया था। वो बोल रहे थे कि आप ये आपने जो बनाया है पूरा पिज्जे का टेस्ट दे रहे हैं। ये इंटेलिजेंट लेडी है और ये मेरी साड़ी बांध रही है, मुझे स्कूल में साड़ी बन के जाना है इसलिए। तो ये हो रही है मेरी साड़ी, हो रही है नहीं मेरी साड़ी, ये मुझे बांध रही है साड़ी एक्चुअली स्कूल के लिए। कितनी पतली लग रही हूँ मैं, पतली लग रही हूँ अच्छी लग रही है यार इसमें वो भी है। इन्होंने कहाँ से ली, इनको पता होगा, पता नहीं। ये मेरी साड़ी नहीं है, ये दीदी की साड़ी है, ये मैंने मांग के लाई है। इसमें जो रेड भी होगा ना वो कितना सही लगेगा यार, है ना। हैप्पी टीचर्स डे रुचिका मैम, वी मिस यू एंड लव यू, थैंक यू ऋषभ। Oh, thank you so much. Oh, that's so sweet. Thank you. So guys, मैं स्कूल में पहुंच गई हूँ थोड़ी देर के बाद। Thank you. Thank you मेरे बच्चा। देखो बच्चों का पैर। Thank you baby. Thank you. चलो मेक अ लाइन, थैंक यू आपको मेरी क्लास बनी है। आज ये पूजा मैम बनी है, ठीक है, ये पूजा मैम की तरह ही बनी है, सॉरी पूजा मैम नहीं है पर ये उपासना मेरी फ्रेंड है तो ये उपासना ही बनी है और ये बनी है पूजा मैम। वो चलो सभी प्रेयर होगी तो मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि अभी हमारा फोन जमा हो जाता है इसलिए। तो नए हैं जो आज बच्चे टीचर्स ही बने हैं। थैंक यू। चलो अभी बच्चों से, चलो ठीक है अभी मैं आप कमीन बच्चे इधर आना। ये बनी थी पूजा मैम, इधर आओ ना बच्चे, ये बनी थी मैं और देखो हम लगते भी सिमिलर हैं। और मैं जब छोटी थी मैं ऐसे ही थी, अगर मेरे को फोटो दिखेगी तो मैं साइड पर लगा के दिखा भी दूंगी, है ना। बोलने कोशिश कर रहा है इंट इंट हूं मैं, आप पूछे तो बोले इंट को बोला इठ जा, इठे है ना वही चले। डोगरी बोल लिए क्या है, क्या हिंदी वाला डोगरे हम काले इसके, डोगरी बोलो हिं के करो कर जिसे इठे है ना कम की है काम इंटे है ना उधर इठे है ना इठे वापस दीदी चलो चुका दीदी वापस। बच्चों ने बहुत अच्छा किया और स्कूल में भी बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। बट मैं रुचिका मैम को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि लास्ट ईयर मुझे बहुत मज़ा आया था उनके साथ, तो बस वो एक मोमेंट मैंने मिस किया। बाकी सतविंदर मैम, वंदना, निशा मैम, मतलब मज़ा आया ऐसा नहीं है, बट मैंने उनको बहुत मिस किया क्योंकि मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलती हूँ जिनसे मैंने अच्छी चीज़ें सीखी होती हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, तो मैम ने कभी मुझे मिस गाइड नहीं किया, कभी कुछ नहीं, मतलब वो हमेशा मुझे। और मैम से मैंने एक चीज़ सीखी थी, लाइफ में जो ऐसी मर्जी सिचुएशन हो, जो मर्जी हो, हमेशा स्माइल करो। उनसे मैं मतलब वो बहुत स्ट्रांग लेडी हैं। और ऐसे एक लेडी मेरी लाइफ में आए थे 2019 में जब मैं जम्मू में पढ़ती थी और जिनके घर में मैं रेंट पे रहती थी। सबसे पहले वो जो भाभी थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, वो इतना मैनेज करते थे ना। और मतलब मैंने उनसे भी ये चीज़ सीखी कि लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, और आप चाहे कितने बड़े कंफर्ट जोन से आते होंगे कुछ भी होता होगा, बट लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। और वो भाभी भी बहुत मैनेज करते थे। और वैसे ही अब मुझे 2023 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो यहाँ पे मैम मिले मुझे, इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं लगा सच्ची में। ये दो वंडरफुल लेडीज़ आई मेरी लाइफ में और जिनको मैंने ये देखा सिचुएशन जैसी मर्जी हो लाइफ में, बस थोड़ा स्माइल करके चलो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और सब अच्छा होगा।
तो थैंक यू सो मच कि भगवान का कि आप मुझे आप दोनों से मिलाया, कैसे भी जरिया बना। उधर मैं पढ़ने गई थी और इधर मैं टीचिंग करने गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि टीचर्स डे वो मतलब मैं आपको आपसे मैंने सीखा है ना, तो आप हो जिनसे मैं सीखती हूँ अच्छी चीज़ें, वो मेरे लिए हैं। तो आज और चलो मूव ऑन, तो हम करते हैं। बच्चों ने इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं, और ये कार्ड्स बनाए हैं अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच बच्चों। एक ने ये बनाया, चॉकलेट लगाया था, पेन उसने ऐसे दिया था, टीचर बनाई है, ब्लैक बोर्ड बनाया, कितना नाइस कंसेप्ट था, बहुत अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। कार्ड फॉर पूजा मैम, अवंती का, माई फेवरेट टीचर इज़ पूजा मैम, माई क्यूट एंड ब्राइट टीचर। ओके, अंदर भी लिखा है, माई फेवरेट टीचर इज़ पूजा मैम, यू आर सो स्वीट, बी हैप्पी, बेस्ट विशेज फॉर यू माई डियर, आई लव यू मैम, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू अवंतिका, एंड यू आर अ वेरी वेरी क्यूट गर्ल। और ये चॉकलेट मिला है, अभी कुछ चॉकलेट मेरे बच्चे खा भी रहे थे। पेन तो बहुत सारे, रेड पेन की मेरे पास कोई कमी नहीं है होने वाली। बच्चों ने बहुत ज़्यादा पेन दिए मुझे, बहुत ज़्यादा, बहुत बच्चों ने पेन दिए, बहुत पेन हो गए। पहले मेरे पास रेड पेन की कमी रहती थी, तो सॉरी फॉर दैट कि ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा जाएगा। कुछ पैक करके लाए थे, कुछ की रैप अनरैप कर दिया था, अभी हम बाहर बैठे तो ऐसे ही, फिर मुझे याद आया कि ब्लॉग बना देते हैं क्यों ना। पेन और ए भव्या ने दिया है, ये बहुत प्यारा पैकिंग किया हुआ था, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा लगा इवन की। तो लेट्स ओपन। तो भव्या ने भी दिया है हमको पेन, और बहुत ओहो उसके अंदर चिट है एंड चॉकलेट है, वाओ दैट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू पूजा मैम फॉर टीचिंग एंड हेल्पिंग मी ग्रो। दिस कितना प्यारा है यार, ये प्यार के लिए मैं स्कूल में जाती हूँ, अदरवाइज अब मेरा जाने का मन नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे मन मार के जाती हूँ, बट मैं बच्चों के लिए जाती हूँ, और जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बच्चे ने ये, ओहो वाओ इतने सारे चॉकलेट्स हैं ना मेरे पास, चॉकलेट चॉकलेट एंड पेन, चॉकलेट 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 चॉकलेट। और एक ने ये बनाया था एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, एक्चुअली ये टूट गया, आई एम रियली सॉरी उसके लिए, वो पता नहीं यार कैसे रखा था। इसके अंदर भी दो चॉकलेट हैं, यहाँ पे थॉट लिखे है, यू आर माई बेस्ट टीचर, हैप्पी टीचर्स डे एंड रिस्पेक्टेड टीचर, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच आरव डोगरा, मैं इसको बोलती हूँ डोगरे है। और हैप्पी टीचर्स डे बहुत प्यारा बनाया था, इवन कि मेरे को ये तो कलर कॉम्बिनेशन, वाओ सूट बनाऊंगी ऐसा, बहुत प्यार सच्ची में, बहुत प्यार बच्चों को। और एक ये है दिव्यांश, ये दिव्यांश लेके आया था, इसको मैं हीरो करके बोलती हूँ, और इसने बहुत इम्प्रूव किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इसका था थोड़ा लिखने का कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ा, बट इसने बहुत इम्प्रूव किया, तो मैं उस चीज़ में खुशी मानती हूँ जब बच्चा खुद में इम्प्रूव करता है मेरी वजह से। अगर थोड़ा स्लो है, लर्नर है, लिसनर है, राइटर है, कुछ भी है। तो एक ये बनाया, ये ट्यूशन के बच्चे ने बनाया था, फॉर पूजा मैम बेस्ट टीचर, हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा ओहो रितिका, सॉरी ये स्कूल के बच्चों ने बनाया, सेकेंड क्लास में स्टूडेंट है जो मेरी। द वे यू टीच, द नॉलेज यू शेयर, द केयर यू टेक, द लव यू शोन मेक यू द वर्ल्ड बेस्ट, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच रितिका, एंड सॉरी मैं आपको डांटती भी बहुत हूँ कि आप थोड़ा कम पढ़ती हो, तो बट इट्स ओके, अब आप पढ़ोगी क्योंकि अभी आपके लास्ट के जो टेस्ट थे वो बहुत अच्छे गए हैं, तो आगे भी पढ़ेंगे। और एक मेरे बच्चे ने ये बनाया था, देखो क्या कितनी क्रिएटिविटी है बच्चों में, हैप्पी टीचर्स डे टू मैम, थैंक यू सो मच अभिजोत, कितना प्यारा है। देखो चॉकलेट भी लगाया और पेन भी दिया, और एक ने ये दिया रोज़, और मुझे ओरिजिनल फ्लावर बहुत ज़्यादा मिले हैं। कुछ ये पढ़े, ये सब मेरे गिफ्ट से, थैंक यू सो मच बच्चों। टीचर को गिफ्ट की कोई नीड नहीं होती है, मैंने बच्चों को बोला था, कुछ बच्चे थे ना कि मैम हमने नहीं लाया, हम कल लाएंगे, जैसे बच्चे दे रहे थे, एक दो ने नहीं लाया होगा, तो मैंने उनको बोला मुझे नीड नहीं है। और थर्ड क्लास के बच्चों ने मुझे स्पेशली बोला सुबह कि मैम प्लीज़ हमारी क्लास में आओगे ना आप आज, इवन कि मेरा वहाँ पर पीरियड भी नहीं होता, तो बट मैं उनके लिए गई। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को ये था कि मैम दो मिनट हमारी क्लास में आए, तो मेरे लिए ये मैटर करता है कि बच्चों को है कि चलो मैम आ रही है। और वो फ्रैंक भी बहुत जल्दी होते हैं, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो चुप भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मेरा उनके साथ न्यूट्रली रिलेशन है बच्चों के साथ। और थैंक यू सो मच, गिफ्ट की कोई नीड नहीं होती मुझे,
किसी भी टीचर को, मुझे ये मेरी ही बात नहीं है। और एक ने सॉरी रिंग भी दी थी ऑक्सीडाइज की, तो वो मैंने रख दी है अभी। तो उसके बाद आप अच्छे से पढ़ो, अच्छी अच्छी रीडिंग करो, अच्छे से समझो, पढ़ो, मैनर्स पे रहो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। थैंक यू एंड आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मुझे बहुत इंस्टाग्राम में DM आए थे, आज मैं अपलोड कर ही दूंगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू।